अच्छा तो फिर ये लेकिन जनरली जब हम सीबीसी में घूमते हैं तो जनरली देर इज अ डिसकंटेंटमेंट फ्रॉम पीटीआईज की जी जो लोग थे उनके हवाले से लोग बात करते हैं। तो आप इसको मैं इसको किस तरह कहूँ, मैं यानी अगर मैं जनरली देखता हूँ तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पीटीआई ने क्या किया और हम पीटीआई को इस दफ़ा क्यों वोट दें इस इलेक्शन में। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं क्या इनका इम्पैक्ट 2023 में भी होगा? मैं तो इसलिए समझती हूँ कि मैं इसलिए वोट दूंगी कि मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, विल बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वो आदमी जिसको मैं कॉल कर रही हूँ वो विलिंगनेस भी है उसके अंदर मेरा मसला सुनने की और समझने की और रिजॉल्व करने की। कोशिश तो करें, बाकी आगे रिजल्ट जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम ठीक है कि हमारे कोई ग्रीवेंसेज हैं, एज रेजिडेंट मेरे भी है, मेरा घर में पानी था, मुझे सीबीसी का उस वक्त एक्सेस नहीं मिल रहा था, मैं ऑफिस गई वहाँ पे उनके पास पंप्स नहीं थे, बट मेरा अब का क्राइटेरिया ये होगा कि क्या उन्होंने अपनी इस गलती से सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने मेजर्स लिए, उन्होंने इन्वेस्ट किया इसके ऊपर। दूसरे कुछ टेक्निकल मसाइल हैं, ठीक है। दूसरा जो मैं समझती हूँ कि वो विलिंगनेस मुझे चाहिए अपने इन इलेक्टेड लोगों से कि वो इंसिस्ट करें कि ये हम तस्वीर खींच के आपको नहीं भेजेंगे रूटीन में। वन ऑफ हो सकता है कि जी मेरे घर का पिछले एक हफ्ते से कचरा नहीं उठा तो मैं कंप्लेन लॉक कर दूं, लेकिन मैं ये रूटीन में नहीं करना चाहती। रूटीन में मुझे एक सिस्टम चाहिए, एक सस्टेनेबल सिस्टम चाहिए और उसके पीछे पूरा बैक एंड इंजन चाहिए। तो मुझे वो लगता है कि हम उस तरफ गामजन हैं बिकॉज हमने इंसिस्ट किया है इसके ऊपर एज पार्टी भी, एज रेजिडेंट भी। और मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम के जी जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि वो एक ऑटोमेटेड रोबस्ट सिस्टम डिलीवर करें। दूसरा रीज़न मैं समझती हूँ कि क्यों ग्रीवेंसेस के बावजूद भी आपको पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट देना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि हम बावजूद तमाम कर लिमिटेशंस के हम गायब नहीं हुए, हमने फेस किया, ठीक है, और इस इलेक्शन का इंतज़ार किया कि जब हम इलेक्ट होकर वापस आएंगे और अच्छे रिजल्ट्स के साथ वापस आएं तो मोर एम्पावर्ड तरीके से हम लोगों के मसाइल को हल कर सकें। अभी जो 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 टीयर ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है वो प्रोविंस में भी हम नहीं हैं, ठीक है, सिंध के अंदर हम सिर्फ फेडरल के अंदर हैं, यानी एक एमएनए है जो कि हमारी आवाज़ बन सकता है, नीचे एमपीए भी आवाज़ बनते हैं असेंबली के अंदर मिसाइल को रेज करने, लेकिन उसके बाद हमें थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी चाहिए इस इंजन को कंप्लीट करने के लिए। वो हमें अब मिलेगा इस इलेक्शन से, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं उससे सीबीसी ने क्या सीखा, डीएचए ने क्या सीखा और क्या करेक्टिव मेजर्स लिए, मेरे हिसाब से लिए हैं। और पीटीआई ने उसके ऊपर बहुत इंसिस्टेंस दिखाई है, कंटिन्यूसली उनको बेसिकली उनके दरवाजे को नॉक किया है कि जी ये मसाइल को हल करने हैं। उसकी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है। अगर अभी हमें यहाँ रोकूँ आपको, देखें ऐसा है कि चूंकि ये इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान जी में, बिल्कुल तो आपकी आवाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में सुनी जाएगी इंशाल्लाह। तो आप ये बताइए, एक तो ही हम सीबीसी की बात कर रहे हैं जी इसमें, सर। दूसरा ये है कि जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान के कैंटोनमेंट के जो शहरी हैं उनको आपने कोई मशवरा देना हो तो सपोजिंग आप पीटीआई के हैं तो वो पीटीआई को वोट क्यों दें? ये मैंने जैसे शुरू में कहा था ना जाहिर साहब कि ये तीन टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, हमें तीनों टीयर में आना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सिस्टम को हिलाने के लिए आपको तमाम पिलर्स के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली हमारे पास पिलर हम ऑलरेडी हैं, फेडरल के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन है, प्रोविंस में हमने काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी, और तो हम ऑपोजिशन के अंदर हैं लेकिन हम चुप नहीं बैठते, हम एक आप कह रहे हैं डेफ एंड डम जो है वो ऑपोजिशन नहीं है, हमारी
हमारी आवाज़ काफ़ी सख्त है कि यहाँ तक कि उनको बंद आवाज़ बंद करने के लिए असेंबली जो है वो बंद करनी पड़ती है, तो हम शोर मचाते हैं उसके लिए। थर्ड इज़ बेसिकली दिस ईयर, और चूँकि हम सिर्फ इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से अब 2 साल रह गए हमारे पास, तो ये जो इंजन होगा लोकल बॉडीज़ का, कंटोनमेंट का अक्रॉस पाकिस्तान, ये बेसिकली पिलर है, ये हमारी स्ट्रेंथ होगी जो हमें एक अच्छी लेगेसी के साथ, अच्छी डिलीवरी सिस्टम के रिजल्ट के साथ हम 2023 के अंदर जनरल इलेक्शंस में जाएंगे। इसलिए ये इलेक्शंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पार्टी पर्सपेक्टिव से भी, कि अगर हमने ये इलेक्शन को सिग्निफिकेंट रिजल्ट के साथ ग्राउंड पर अपने लोग जमा दिए और हमने डिलीवर भी करके दिया, रिजल्ट भी दिए, लोगों के मसाइल को हल भी किया, तो हमारे लिए 2023 का इलेक्शन दोबारा से जीतना और बहुत डिफरेंस यानी बहुत अच्छे नंबर ऑफ सीट्स के साथ जीतना और सिंध के अंदर भी अपना जो है वो मकाम हासिल करना वो आसान होगा। ये एक